सभी को नमस्कार दोस्तों। आपको थंबनेल देख करके तो वैसे पता पड़ ही गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या चीज कवर करने वाले हैं। उसमें हम लोग आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एग्जाम होने वाला है, जो कि 2025 के अंदर होगा, क्योंकि 24 तो बीत चुका है, 24 में तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो 25 के अंदर जो एग्जाम होगा उसकी पूरी और कंप्लीट डिटेल के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर जो जो भी बदलाव हैं, जो जो भी बातें हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, उनको जान लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जाम के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, किस चीज को लाइटली लेना है, किस चीज को ज्यादा आपको प्रेफरेंस देनी है। उन सभी बातों का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि सॉल्यूशन एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, और ये भी जानने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से कोर्स का कंटेंट कहां से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं जो जो भी टॉपिक्स कवर करूंगा उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे उसके बारे में मैं पहले बता दूं आपको। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि इस वैकेंसी की क्या क्या डिटेल्स हैं, किस चीज़ की वैकेंसी है। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कहाँ से फॉर्म भरे जा सकते हैं। जो लोग राजस्थान के नेटिव हैं उनको तो पता ही है कि राजस्थान के अंदर कहाँ से फॉर्म भरे जाते हैं, आरपीएससी के फॉर्म्स कहाँ हम लोग भरते हैं। पर जो आउटसाइडर्स हैं या जो पहली बार हमारे यहाँ फॉर्म भर रहे हैं, या कुछ बहनें हैं जो या कुछ भाई जो कि इस चीज़ से अवगत अभी तक नहीं है, उन लोगों के लिए ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अब एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे इस वैकेंसी के अंदर सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो उनमें से एक है स्कूल लेक्चरर राजस्थान की वैकेंसी। ये वैकेंसी इतनी शानदार है कि इसके अंदर आपको बहुत ही जल्दी तो आपके प्रमोशंस होते हैं, बहुत जल्दी इंक्रीमेंट्स वगैरह लगते हैं, और ग्रेड पे भी बहुत ही शानदार है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको यूज करने चाहिए, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, ये सब बातें हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। अगली बात, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, कब एग्जाम होगा, अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम कब होगा उसकी बात भी हम इसमें करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होंगे उसकी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई इसके अंदर और बदलाव हुआ है तो वो क्या हुआ है, उन सब की बात करेंगे। तो ये 10 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और उसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इस वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी की डिटेल्स क्या क्या है। इस वैकेंसी की डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए वैकेंसी आने से राजस्थान के मोस्ट ऑफ जितने भी एमएससी केमिस्ट्री बीएड स्टूडेंट्स हैं वो बहुत खुश भी हुए होंगे, और आई होप सो अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा उदास और निराश भी हुए होंगे। उसके पीछे कारण ये है कि पहले की जो वैकेंसीज आई थी वो काफी ज्यादा थी। पहले 800 800 900 900 वैकेंसीज, किसी में 200 250 वैकेंसीज आई थी, किसी में 50 से ज्यादा ही वैकेंसी आई होगी। पर इस बार जो केमिस्ट्री की वैकेंसी आई है वो बहुत ही कम, 36 पोस्ट जो है वो इस बार निकाली है, जो कि 11 12th सेकेंडरी स्कूल्स के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर 11 12th क्लास को पढ़ाने के लिए स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है। 36 पोस्टें टोटल हैं। जो राजस्थान के बाहर के हैं वो भी अगर फॉर्म भरना चाहते तो उनको मैं बता दूं कि ये राजस्थान की सबसे फाइनेस्ट जॉब्स में से एक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर कैटेगरी वाइज क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पोस्ट का। तो जनरल के अंदर इसमें टोटल 15 पोस्टें हैं। अब इसके अंदर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होगा, नेट नोटिफिकेशन जो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करेंगे तो वहां पे सारी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन भी वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद में एससी की 5 पोस्ट है, एसटी की 5, ओबीसी की 7, एमबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो इंडिया के अंदर चलती है वही यहाँ पर भी अप्लाई होती है, वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ,
उसका भी मैं आई बटन पे क्लिक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। उसके अलावा भी आप नेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन किस तरह से वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंपल है, इसके अंदर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है केमिस्ट्री के अंदर किसी भी स्ट्रीम की हो और उसके साथ में अगर आपकी बीएड है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बीएड होना कंपलसरी है मास्टर्स डिग्री के साथ में। अगली बात आएगी आपकी एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो 21 वर्ष इसकी मिनिमम है, 40 वर्ष इसकी मैक्सिमम रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके मेल एससी एसटी एमबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए, और जो जनरल कैटेगरी की वुमेन्स है उनके लिए 5 साल का थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, मतलब 45 वर्ष आपकी एज जो है इसके अंदर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 50 वर्ष किसके लिए है, तो 50 वर्ष है फीमेल्स के लिए जो कि एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस उसके लिए काउंट होगी। तो ये आपकी मैंने बता दी। अब जो विडो और डिवोर्सी है उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, रिटायरमेंट की एज से पहले तक की जो एज है वहां तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट, वो है हमारा क्या, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक एग्जाम होगा। अब वो एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो हमारी आरपीएससी तय करेगी। इस सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली आपके दो पेपर होंगे। पेपर वन मेनली आपका किसका होता है, पेपर वन जो होता है वो आपका होता है जीके का, जिसके अंदर राजस्थान जीके वगैरह जो इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद में पेपर टू जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा और क्या पूछा जाएगा, तो उसके अंदर आपको लाइक थोड़ा बहुत कंप्यूटर, उसके अलावा जैसे जो टीचर्स एप्टीट्यूड है ना, चाइल्ड पेडोलॉजी वगैरह वगैरह का, उसके अंदर सिलेबस का जो डिस्कशन है वो मैं सिलेबस आपको पूरा सिलेबस मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, वो अभी मैं बात करूंगा जब सिलेबस की तब मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पूरा पेपर जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में होगा। 450 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, उसमें से 150 मार्क्स का फर्स्ट पेपर और दूसरा पेपर होगा 300 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो तो आपका पक्कम पक्का होना जरूरी है। अगर आपके सब्जेक्ट में 300 में से 300 अगर आ सकते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है। उसके पीछे कारण, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जो दोनों पेपर हैं उसके अंदर आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे वीडियो के अंदर सबसे मेन जो कोर है वो ये चीज है, ये लाइन है कि मिनिमम आपको दोनों पेपर के अंदर 40% मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5% का रिबेट है, मतलब 35% उनके अगर बनते हैं दोनों पेपर्स में तो भी वो पास माने जाएंगे। इसके अंदर पास मानने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के लिए आपकी जो मेरिट बनेगी उसी को आधार रखा जाएगा। माइनस मार्किंग 1/3 है, 4 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते तो एक नंबर आपका सही में से भी काट लिया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए वहां पे मैंने पीडीएफ अटैच कर दी है, उस पीडीएफ का लिंक आप वहां से लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए और उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करिए। ये पीडीएफ की जो पॉइंट टू पॉइंट तैयारी है वो हमारे सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको हर एक पॉइंट को प्रॉपरली समझाऊंगा। उसके अंदर मैंने एक कोर्स भी जनरेट कर रखा है, आप चाहे तो प्ले स्टोर पर जाकर के सॉल्यूशन एकेडमी का जो हमारा कोर्स है वो परचेस कर सकते हैं। वहां से आप पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट की तैयारी कर सकते हैं, हर एक पॉइंट के साथ में उसका डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी वहां पर अवेलेबल रहेगा। ये तैयारी जो है वो हम लोग 5 नवंबर से शुरुआत करेंगे। 5 नवंबर 2024 को आपका पहला वीडियो वहां पर चालू हो जाएगा, उसके बाद डेली के आपके वीडियोस आते रहेंगे और उसके साथ में उनकी डीओपी भी मिलती, जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी आपको मिलते जाएंगे। उसके साथ में एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, फर्स्ट ग्रेड तक हमारे राजस्थान में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो इस वाली वैकेंसी में इंटरव्यू का नाम आपको नहीं रखना है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि इसके अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए राजस्थान में जनरली जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए हमने एक सिंगल साइन ऑन प्रोसेस कर रखा है जिसको SSO हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप टाइप करके गूगल पे टाइप करेंगे डालेंगे तो आपको मैं आपको एक बार लिंक बता देता हूँ कैसे क्या खुलेगी। इस तरह की वेबसाइट है, यहाँ जाकर के आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर लॉगिन करेंगे, उसके अलावा अंदर जाने के बाद में जब आप रिक्वायरमेंट पर जाओगे तो रिक्वायरमेंट पर आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो भरना बहुत ही आसान हो जाता है। एक बार की फीस है वो दे करके आप आसानी से इसके अंदर पोर्टल के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम लोग हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस पे ही कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। तो उसकी इम्पोर्टेंट डेट है कि स्टार्ट होगा ये 5/11/2024 को, मतलब 5 नवंबर जिस दिन सॉल्यूशन एकेडमी का ये कोर्स चालू होगा उसी दिन आपका फॉर्म भी भरना चालू होगा और उसी दिन आपका टेस्ट सीरीज भी चालू होगी। तो आपको 5 नवंबर से फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट है। उसके अलावा ये कब तक चलेगा, तो 4/12/24 तक ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन की फीस क्या रहने वाली है, तो जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 400 और अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 600 रुपए की फीस रहने वाली। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, फीस भी इतनी नहीं है, तो आप आराम से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इसके अंदर दो पेपर्स होंगे, उसमें से पहला पेपर जीके का रहेगा, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसके अंदर आता है। उसके बाद में और भी थोड़ा जो भी डिटेल है वो आपको सिलेबस मैंने बताया, जैसा कि मैं यहाँ नीचे लिंक डाल रहा हूँ, आप सिलेबस वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड पेपर की जब हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड पेपर होगा 300 नंबर का, फर्स्ट पेपर होगा 50 नंबर का। दोनों का ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.5 घंटे का तो होगा आपका फर्स्ट पेपर और 3 घंटे का होगा आपका सेकंड पेपर। दोनों ही पेपर के डेज अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग दिन ये पेपर का आपको जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको वेबसाइट के ऊपर RPSC की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट हो जाएगा, वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। SSO पर भी पता पड़ जाता है कि ये एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इसका सैलरी क्या रहती है। सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो लेक्चरर की जो पोस्ट है वो बहुत ही शानदार L12 ग्रेड देती है। L12 ग्रेड के अंदर 2 साल का प्रोबेशन होता है और उसके बाद में जब आप परमानेंट हो जाते हो तो फिर आपको फुल सैलरी मिलती रहती है विद DA। अब एडिशनल बेनिफिट्स जो भी होंगे वो सब एज पर सर्विस रूल्स जो सबको मिलते होंगे वो भी एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए आपको मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ बुक्स जो है वो आपको आपके पास होनी चाहिए इसके प्रिपरेशन के लिए, जिसमें से पहली बुक तो है पी भागचंदानी, जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल को कवर करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं ग्रेजुएशन लेवल के अलावा ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को भी अगर आपको अच्छे से करना है तो भी पी भागचंदानी आपके मुंह पर होनी चाहिए। अगर आपको वो याद है, वो अच्छे से आपको कंठस्थ है उसके सारे के सारे फंडे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर 11th-12th के पोर्शन को कवर करने के लिए NCERT सफिशियंट है। NCERT से ही मैक्सिमम पिछले के एग्जाम्स जितने भी उठा करके देख लो, NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आया है। 11th-12th कवर करने के लिए आपको NCERT की बुक्स जो है आपके पास में रहनी चाहिए। इसके अलावा सॉल्यूशन एकेडमी का जो कोर्स चलेगा उसके जो क्लासरूम नोट्स हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके अंदर छोटी छोटी बातें जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन को फास्ट करने में हेल्प करेगी, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए। जब कभी भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए सॉल्यूशन एकेडमी आपकी हेल्प करेगी। तो 5 नवंबर से मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने वाला हूँ, आप ज़रूर से ज्वाइन करना। सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन आप अभी से डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसके अंदर, मैं आपको बता दूँ जो सॉल्यूशन की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर 41 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं।
ये 41 टेस्ट जो है उसके अंदर हर टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स आपको करने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होंगे, डाउट्स भी नीचे सोल्व करे हुए होंगे। आपको केवल ये करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आरपीएससी इस केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, तो आपको ये टेस्ट के अंदर जो जो क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस तरह के उस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 100% आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक के अंदर मेरी कमी रह रही है। आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप है वो करने के लिए आपको 100% ये सीरीज जो है वो मदद करने वाली है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। आपको एक और चीज का याद रखना है कि 11, 12 की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो नीट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई कोर्स या किसी की बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि नीट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, उसके अंदर नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर आ जाएंगे, तो उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके भी दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में सभी के लिए देने वाला हूं। तो मेरे से जुड़े रहिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। इस पूरी की पूरी जो एग्जाम है उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं कवर करने वाला हूं। एक बात और ये बता दूं कि मैं फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है वो आज तक कभी भी आउट भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है वो बहुत ही शानदार तरीके से हमेशा रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल कर देता है। अगली बात करेंगे हम लोग कि टेस्ट सीरीज कब से शुरू होने वाली, तो टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है 5/11/2024 से सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर। प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको वहां पर एप्लीकेशन मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन किस तरह की दिखती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्ले स्टोर पर जब आप लिखेंगे सॉल्यूशन एकेडमी तो आपको हमारा ये लोगो दिखाई देगा, आप इससे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जीके की तैयारी किस तरह से करी जाए, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर अगर आपने, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर जो है वो आपका 150 मार्क्स का है। अगर आप 150 मार्क्स में से 70 नंबर के अबाव अगर ले आते हैं, 70 मार्क्स तक अगर आप ले आते हैं, 70-75 तक चले जाते हैं, तो ये मान करके चलना है कि आपने अपने सिलेक्शन को 100% फॉर श्योर कर लिया है कि सिलेक्शन पक्का है आपका। और इसकी 70 मार्क्स की जो तैयारी है वो आपको जरूर से करनी है। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो पड़े हुए राजस्थान जीके के, आपको किसी का कोर्स परचेज करते हैं नहीं करते हैं उससे मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर आप ये मान करके चलना कि ढेरों कोर्स पड़े हुए हैं और सबने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो आप 70 मार्क्स की तैयारी आपको फर्स्ट पेपर के अंदर करनी है। सेकंड पेपर जो है वो सेकंड पेपर के अंदर आपको 300 मार्क्स का पेपर है। 300 मार्क्स में से आपको आपको ये देख लीजिए कि आपको 215 से लेकर के 230 नंबर अगर इसके अंदर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो निर्धारित हो जाएगा। क्यों? उसका कारण यह है कि भाई जो अब तक के पेपर आए हैं, अच्छा थोड़ी सी रेंज और अगर आप बढ़ाना चाहें तो 250 तक जा सकते हैं। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए 300 में से। अगर इतनी तैयारी अगर आपकी है, 250 मार्क्स अगर आप ले आते हैं 300 में से और 70 नंबर ये ऐड कर देते तो आपके टोटल मार्क्स जो है वो आपको 100% सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत होंगे। तो ये हमारी बात हुई कि कितनी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो कट ऑफ जो है वो आप ये मान करके चलना कि सेकंड पेपर के अंदर 250 मार्क्स के करीब और फर्स्ट पेपर में 70 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उसके अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि पिछले साल क्या कट ऑफ गई नहीं गई, इतने मार्क्स बहुत सफिशियंट है सिलेक्शन कराने के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस की, तो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को 2024। उसके बाद में जो आपकी लास्ट सबमिशन डेट है 4 दिसंबर की है। उसके बाद एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एग्जाम नियर अबाउट जून 2025 के करीब करीब आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास में आराम से अभी 6-7 महीने हैं, आप आराम से तैयारी करो, बहुत ही धीरज से ढांढस से तैयारी करो, कोई जल्दबाजी मत करना और एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन जो है वो आपको काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उनको ज्यादा किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है नहीं, और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर जिन्होंने नहीं कर रखा है
तो उनको थोड़े डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जनरली आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी की फाइनल ईयर की मार्कशीट, उसके अलावा आपको एमएससी की मार्कशीट, ये सारी मार्कशीट, बीएससी की भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट लेके बैठना, एमएससी की भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या सेमेस्टर अगर आपके चलते हैं तो उनकी भी आप मार्कशीट लेकर के बैठना। इसके अलावा आपको आधार कार्ड के नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपके जो भी एड्रेस वगैरह है वो तो सब आपको फिल करने पड़ेंगे, बाकी फॉर्मेलिटीज। ये जनरल सामान्यतः ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एग्जाम फॉर्म ये भरने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट वगैरह वो भी इसके अंदर शायद लगता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है आपकी कि यहाँ पर अभी एक तो जो जो भी बातें थी वो मैंने आपको मेनली बताई। मेन तो इतना बड़ा वीडियो भी ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊंगा, अभी ये वीडियो हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। उसके बाद में मैं आपको हर एक टॉपिक का सिलेबस जो है, हर एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी मैं वीडियोज अलग से बनाने वाला हूँ। मेजरली मैंने जो जूनियर केमिस्ट एग्जाम की तैयारी कराई थी उन जूनियर केमिस्ट एग्जाम की तैयारी के वीडियोज यहाँ पर पड़े हुए हैं। उनके अलावा ये वाली वैकेंसी का भी मैं अलग से आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। मोस्ट ऑफ तो मैंने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, अगर आप पहले से तैयारी करें तो उन टॉपिक्स को भी आप देख लेना, उन वीडियोस को आप देख लेना, उनसे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की और जो ग्रेजुएशन लेवल वगैरह की तैयारी है वो एप्लीकेशन के ऊपर भी मैं करवाऊंगा, तो वहां पर आकर के मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सॉल्यूशन अकेडमी की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेस्ट सीरीज और कोर्सेज जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।